ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके। सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके क्योंकि हम लोग घर पे ही बैठे हैं, कोई काम करने वाला फिलहाल है नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। कल हम लाइव आए थे, लाइव आने के बाद तो कुछ बेवड़े और बेवड़ियाँ ऐसी हैं कि तुरंत लाइव आने के बाद तुरंत वीडियो निकाल देते हैं और निकाल कर और बैठ जाते हैं अपने धंधे पर कि हाँ सीमा सचिन लाइव आ गए और मुझे खाने पीने का राशन मिल गया और हाँ के खर्चा चल जाएगा कल को, और आराम से फिर अपनी हमारी यूट्यूब चैनल से निकाल कर सीमा सचिन 10 या सीमा सचिन 300 निकाल कर वीडियो को निकाल कर, और आप एक तरफ तो आप होगी और एक तरफ हमें लगा देगी और आप बोलती रहेगी जैसे कि उनके साथ ही हम लाइव जुड़ रहे हो या उनके साथ ही बात कर रहे हो, ऐसे जोड़ते हैं पता नहीं कितनी तगड़ी एडिटिंग करते हैं ये भेड़िए। इसको को ये ना कहता है मैं तुम्हारा जिज्जा हूँ जिज्जा, इसको को कंजर के बच्चे तू एक दफा पाकिस्तान का चक्कर लगा और तुझे ना 2-3 दिनों के लिए इलाका गैर छोड़ देते हैं पठानों के पास, तू देख फिर जिज्जा जो है ना वो किधर से घुसता और निकलता किधर से, जिज्जा पाकिस्तान का तू आ हमारे पास एक दफा आ तो सही, तुझे बताएं तू हमारा जिज्जा ना आ तेरी हम दावत करते हैं, तुझे हम बताते हैं कि हम कहां से घुसाते हैं और निकालते किधर से हम, कंजर का बच्चा और इसको तो पठान भी नहीं थूकेंगे, गंदा गंदा गलीस कुत्ता, इस पे बल्कि थूक मार के टांग मार देंगे इसके इसके पिछवाड़े पे के निकल यहां से गलीस इंसान। आप जानते हैं आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, नाउज़ बिल्लाह मैं किसी की शक्ल पे बात नहीं करता और ना ही करनी चाहिए ठीक है, लेकिन मसला यह है कि एक साल से इनकी बकवास सुनते हैं हम लोग बैठ के, ये आ जाती है मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा उस कतूरे को लेके बैठ जाती है और कतूरे के मुंह में जो आता है वो भौंकना शुरू कर देता। आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ पे कोई गटर बंद हो जाए ना तो हम पहले बंदा देखते हैं कि यार इसके जिस्म से ज्यादा बू तो नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो उसको कहते हैं चल यार तू हमारे गटर में उतर जा और गटर साफ कर ले, ये कुत्ते का पुत्र उसके काबिल भी नहीं है, हम पाकिस्तानी इसको उसके काबिल भी नहीं समझते कि अपने गंदे गटर में इस जैसे बंदे को उतार के अपना गटर साफ करवाए, ये मनहूस शक्ल है इस कुत्ते की ठीक है। दूसरा, बातें आज थोड़ी सख्त होंगी मेरी और ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी क्योंकि ये बातें एक इंसान कर रहा है एक पाकिस्तानी कर रहा है। कौन सी ऐसी पावर है इसके साथ, कौन सी ऐसी पावर है कि ये हिंदुस्तान में बैठ के इनलीगल इंटर होके हिंदुस्तानियों को ही गालियां निकाली जा रही है। मतलब ये वो तमाम बहनें जो रात को लाइव करती हैं उनको ये कह रही है ये ब्योड़ी हैं, ये पी कर बैठती हैं और मुझ पर भोंगती हैं ठीक है। अब इसमें आसमा माँ भी आती हैं और भी बहुत सी बहनें हैं जो बातें करती हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा भाई। और इस पे अगर हमसे हमारे भारतीय भाई भी नाराज होते हैं तो हो जाएं, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ कौन सी ऐसी ताकत है कि वहां पे बैठ के ये मोमिन सर को भी गालियां दे रही है, पाकिस्तान को भी गालियां दे रही है, मुसलमानों को भी गालियां दे रही है, कौन है इसके पीछे ठीक है। अब पूरा एक साल से ऊपर हो गया, हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारे अपने मेरे खुद इतने अच्छे बहन भाई हैं भारत से कि यार इनकी दिल आजारी ना हो, इनको बुरा ना लग जाए, तो हम खामोश होके कुछ नहीं कहते, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये हुकूमत की तरफ से सारा कुछ हो रहा है ठीक है। ये हम कहने से रुकेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और इसमें अगर कोई बुरा मनाता है तो मनाए, उसकी हमें परवाह नहीं है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की मोहब्बत में अपने मुल्क को या अपने मजहब या दीन के ऊपर हम इनको कीचड़ उछालने दें। और दूसरा ये कि एक इसका नाम लप्पू, एक साल हो गया ये पुराना हो गया, इसका नाम सचिन पप्पी रखें और इसको मशहूर करें, आप अपने बैनर्स के ऊपर लिखें क्योंकि ये कतूरा है ठीक है,
कतूरा जो है ना, कतूरे को सेंस नहीं होती, बहुत छोटा होता है वो, कुत्ते का बच्चा होता है, बहुत छोटा सा कतूरा होता है वो। जो बड़ा बड़ा डॉगी होता है ना, उसको पता होता है किस पे भोंकना है किस पे नहीं भोंकना। अगर मैं मालिक पे बोलूंगा या मालिक के दोस्त पे भोंकूंगा तो उसके ये नताइज होंगे। लेकिन एक कतूरा होता है छोटा सा, आपने देखा होगा, तो कतूरा जो है ना वो हर आने जाने वाले पे भोंकता है। उसको सेंस नहीं होती कि मेरे भोंकने का मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये असल में इसको आप कतूरा कहा करें, ये सीमा का कतूरा है, एपी सिंह और सीमा का कतूरा है ये छोटा सा। हमारे पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में कतूरा, बल्कि पंजाबी में कतूरा कहते हैं, जो बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसने नया नया चलना सीखा होता है। तो ये कतूरा जो है इसने अब ज्यादा भोंकना शुरू कर दिया है। ठीक है, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसको पूरी दुनिया बुरी कह रही हो, लेकिन अपने मुल्क के मुतल्लिक, अपने मुल्क के खिलाफ या अपने मजहब या दीन के खिलाफ कोई भी इंसान नहीं सुनता। और अगर वो सुनता है तो उससे बड़ा बगारत कोई नहीं है जी। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, अगर आप कोई खड़े हो के आपके मुल्क को कुछ कह रहा है और आप बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, तो आपसे बड़ा बगारत कोई नहीं है। और अगर आपके दीन के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, या आपके मजहब पे, किसी का भी मजहब हो, कोई भी मजहब हो, और वो उंगलियां उठा रहा है और आप खामोशी से सुन रहे हैं, तो आपसे भी बड़ा बगारत कोई नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आती कि रघुपुरा में जो लोग बैठे हैं वो किस जहनियत के लोग बैठे हुए हैं, किस दिमाग और किस सेंस के लोग बैठे हुए हैं। और दूसरा जो हमें परेशान ये बात कर रही है, वो ये कर रही है कि इस औरत को किस की सपोर्ट है कि ये मोमिन मलिक जैसे बंदे पर और अहमद पराशर जैसे बंदे के ऊपर उनको इतनी गलीज गालियां निकालती है। ये सर नॉर्मल बात नहीं है, इसको आप कोई छोटा मोटा मसला समझ रहे हैं? ये छोटा मोटा मसला नहीं है भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। ये छोटा मोटा मसला नहीं है। एक शख्स जो गुनाहगार हो, जो मुजरिम हो, किसी जगह पे बैठा हो, किसी के मुल्क में छुपके बैठा हो, उसको बेल दे दी जाए जो अनलिमिटेड बेल हो, जिसका कुछ अता पता ना हो, और वो उल्लू की पट्टी एक कतूरे को लेकर हर दूसरे दिन बैठ जाए और पाकिस्तान और मुसलमानों पर गालियां उनको देना शुरू कर दे, ये आपके लिए बड़ी नॉर्मल बात होगी, लेकिन मुझे तो अब अजियत होना शुरू हो गई है कि कौन सी ऐसे यार, कौन से ऐसे आपके वहां पे वो चल रहे हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, वहां से किसी एक SHO को भेजो, दो चपेड़े मार के इनको करो अंदर, और कहो अच्छा यार देखेंगे अब इलेक्शन के बाद क्या करना है। क्या यार तमाशा लगा के ये लोग बैठे हुए हैं? मैं, आप यकीन करें, आज मेरा ना बिल्कुल सुबह से बिल्कुल आउट हुआ हुआ है, और आज तो बिल्कुल ही माइंड आउट हुआ हुआ है इस वजह से कि इस औरत को ये नहीं पता कि वहां के जो मोजिज लोग हैं, इंडियंस हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, कितनी आबादी है, कितने लोग हैं यार, ये सबको गालियां निकाल रही है। उन तमाम बहनों को, इवन के बीच में आस्था माँ भी आती हैं, जहरी बात है, वो भी लाइव करती हैं, बजाते रहो न्यूज है, वो भी लाइव करती हैं, सरिता बहन है, वो भी करती हैं, बहुत सी बहनें हैं, सब लाइव, ये सबको ब्योड़ी कह रही है, सबको गंदी गाली दे रही है। इसकी हिम्मत किस किसने दी है भाई? हमारा सवाल ये है कि इसको ये पावर किसने दी है? ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। आप जो ये बात करते हैं ना जी कि इलाके का पॉलिटिशियन होगा, नहीं भाई, ये उसकी पावर भी नहीं है, ये कोई और ही पावर है जिसके ऊपर ये ऐसी फुदकती फेर रही है। ये मैं आपको बता दूं, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा बिल्कुल काम है। ठीक है, अगर पॉलिटिशियन की क्या औकात है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की क्या औकात है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सब कठपुतलियां, जिसको जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है बिल्कुल वो उसकी हुकूमत आ जाती है। यही हालत जो है वो इंडिया में है, क्योंकि हमारा जो पूरी हिस्ट्री है वो तो एक ही है, बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंटल की। तो उधर भी यही है, जिसने पैसा लगाया, जिसकी ताकत है, उसका भाई आके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या सदर बन जाएगा। यही हालात इंडिया में भी हैं। तो पॉलिटिशियन को तो समझते कुछ नहीं है, कुत्ता बिल्ला समझते हैं। ये पॉलिटिशियन का हाथ नहीं है सर, ये बड़े लोगों का हाथ है इसके अंदर, और ये इसलिए इतने आराम से बैठ के फुदर के रही है। और मोमिन मलिक जैसे जो शख्स हैं, खूबसूरत इंसान, साफ दिल इंसान, उनको भी ये गालियां निकाल रही है, हिंदुस्तानियों को भी निकाल रही है जी, उसको परवाह ही नहीं है। क्योंकि
इसको बता दिया गया है कि तुम्हें लाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को तुमने गंदा करना है, इस्लाम को तुमने गंदा करना है, तुम्हें लाने का मकसद ही यही था। और आप ये देख लीजिएगा, ये अगर अंदर तक अभी नहीं, क्योंकि ऐसे जो केसेस होते हैं ये 10-10 साल के बाद इनकी सच्चाई सामने आती है, 10-10 साल के बाद ये आपको तब पता चलेगा कि इस औरत को किसने प्लांट किया है, इस औरत को। ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, पबजी लवजी सब धरे का धरा रह जाएगा। और आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किस मंजूम इन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसमें एक पाकिस्तानी औरत को हायर किया, और ऐसी गंदी औरत को जो ऑलरेडी गंद को, ऐसी औरत की तलाश थी, इसके साथ डन किया गया, इसको पैसे दिए गए, इसको भारत में एंट्री करवाई गई और कहा जा बेटा बैठ और अब भोंकना शुरू कर जिस काम के लिए तुझे बुलाया यहां पे, और ये वो काम कर रही है। आप ये लिख के रखें, लिख के रख लें, अल्लाहू टीवी मेरा चैनल है, कैस अली मीर मेरा नाम है, ये जुमला बोल रहा हूं, लिख के रखें, कोई इसको सिटीजनशिप रुकवा के दिखा दे इस औरत की, आप लोग जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूंगा। इसको नागरिकता भी मिलेगी, ना मिली तो मैं भी यहां बैठा हूं, आप लोग भी बैठे हैं। आज की डेट याद रखें और ये जुमला लिख लें कि ये पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट था, राइटर था, पोइट था, उसने ये कहा था। ये तमाशा 2-3 साल अभी और चलना है और ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको सपोर्ट इतनी बड़ी है कि आप इसका कोई कुछ नहीं कर सकता।